तमाम एनगार्डी फ्रेंड्स को वागी सोम किचनगार्ड में बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गार्डी फ्रेंड्स, इस वक्त जो अगस्त का फर्स्ट वीक है शुरू है, और इससे पहले मैंने जुलाई के एंडिंग में अपने रूफटॉप गार्डन का ओवरव्यू दिया था, जिसमें मेरे रूफटॉप गार्डन पे कौन कौन से रंग बिरंगे फ्लावरिंग प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सकुलेंट प्लांट्स के फ्लावर्स खिलते दिखाई दे रहे थे, और उनकी हेल्थी ग्रोथ के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर आउट की थी। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है अगस्त के स्टार्टिंग में, इस वक्त कौन कौन से जो मेरे प्लांट्स हैं जिन पे बेतहाशा फ्लावर्स खिले हुए हैं, उनकी हेल्थी ग्रोथ के हवाले से, क्योंकि जुलाई के एंडिंग में काफ़ी बारिशों का सिलसिला भी रहा है, और इस वक्त तमाम ही मेरे प्लांट्स हैं हेल्थी बुशी ग्रीनिश नज़र आ रहे हैं, ना कि ग्रीनिश हैं बल्कि इन पे बेतहाशा इस वक्त ये फ्लावर्स हैं खिलते दिखाई दे रहे हैं। पहले तो मेरे कॉन्फ्रेंस ये सामने ही स्टार्ट करेंगे ये रेन लिलीज पे। जी मेरे कॉन्फ्रेंस, जैसे ही आप ये रेन लिलीज पे देख रहे हैं, इस पे सेंटर में मेरे ये डिज़ाइन को लेआउट करने का ये था पर्पस है, वर्टिकल फॉर्म में है, ताकि तमाम के तमाम ये रेन लिलीज के हैं जब ये फ्लावर्स एक लाइन में खिलेंगे तो उसकी क्या आउटलुक होती है, जिस तरह के मैंने ये विनका की ये बाउंड्री ये लाइन दी थी। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे ये रन लिलीज पे आप देखें बेतहाशा येलो येलो ये फ्लावर्स आपको खिलते दिखाई दे रहे हैं। ये येलोश हैं, कलर्स हैं, ये मेरे पास मैंने कहा डार्क पिंक स्मॉल कलर के ये रन लिलीज के ये फ्लावर्स हैं जैसे आप देख रहे हैं। और इधर आते हैं मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये ज़िफायर लिलीज पे है। आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये ब्रेड लिलीज ये है, इसकी भी बड़ी हेल्थी ग्रोथ जारी है। ये मुझे थोड़ा सा इसकी डाउट हो रहा है कि इसमें दोबारा कटिंग लगानी पड़ेगी, ये बेबी सनरोज पे है, क्योंकि बारिशों का मैंने कहा कि जुलाई के एंड में काफ़ी बारिश नहीं, हालांकि मैंने अंडर शेड के नीचे था। ये पर्पल हार्ट प्लांट पे मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये देखें फ्लावर्स के खिलने का सिलसिला जारी है, और बहुत हेल्थी बुशेज की ग्रोथ जारी है। बाकी सारी की सारी ये बाउंड्री लाइन ये सारी की सारी चल रही है, इनका कि यह बखूबी वाकफ हैं। ये हरी मिर्चों पर फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये बेजल्स पे है, और मेरे गार्डन में जितनी भी मैंने ये फ्लावरिंग स्पाइक्स थी जैसे आप देख रहे हैं, सारी की सारी मैंने ये कट ऑफ कर दी हुई, और कटिंग का मैंने अभी वीडियो भी बताई थी कि कैसे किस तरह आपने कटिंग करनी है। सिर्फ एक फ्लावरिंग स्पाइक है ताकि अभी निकली हुई है, बाकी इंशाल्लाह वो भी निकलेंगी, आपको उनकी वीडियो भी मैं शेयर आउट करूंगा। जैसे देखें मैंने ये कटिंग कहाँ से काटी हुई है। इधर आते हैं मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये बैंगन के पौधे हैं। बैंगन के पौधे पर पहले मैंने यहाँ वीडियो दी थी जहाँ 10-12 बैंगन लगे हुए थे, अभी भी तकरीबन ये मेरे गार्डन में 2 या इधर 3-4 बैंगन अभी भी यहाँ लगे हुए हैं, जैसे वो देख रहे हैं आप। जैसे ये मेरे गार्डन में ये बैंगन, और बाकी पे भी बैंगन इस वक्त ये बनने का ये प्रोसेस शुरू है, जैसे मेरे गार्डन में ये भी देख रहे हैं इधर, और भी यहाँ भी ये नीचे बैंगन है, ये बनने शुरू हैं। और क्योंकि अब इन्वायरमेंट काफ़ी है, मैंने शुरू में वीडियो दी थी कि आप माहौल इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करें कि ताकि आपके ना कि फ्लावर्स गिरें, जिस तरह ये देखें ये लेमन्स पे फ्लावर्स बन रहे हैं, ना कि फ्लावर्स अब बनने का सिलसिला शुरू हुआ है, बल्कि साथ साथ जो लेमन्स हैं ये भी बन रहे हैं। जहाँ भी लेमन्स हैं, यहाँ भी मैं करूँ यहाँ भी लेमन्स हैं, इसी तरह ये आगे फ्लावर्स हैं, ये साथ साथ ये बन रहे हैं। अब रिगार्डिंग फ्रेंड्स, ज़रा आगे चलते हैं। ये मेरा टावर है, टावर पर आप देखें ये बोट लिली प्लांट है, ये जेट है, ये पर्पल हार्ट प्लांट है, ये दूसरे आ जाते हैं, ये हमारे देसी है, ये भी एक मैं दो तीन कलर बोतल में लगाए हुए हैं, ये इसमें ये फ्लावर्स खिले हुए हैं, ये हमारा दूसरा ये लिखे हुए हैं ये टॉवर में, जैसे आप देख रहे हैं। ये मेरे बास्केट से मेरे गार्डन फ्रेंड्स, जिसमें मैंने ज़िफायर और लिली है लगाए हुए, आगे है रेड स्पाइडर लिली, उसके फ्लावर्स हैं, इंशाल्लाह ये अगस्त में ही खिलेंगे, तो इंशाल्लाह वीडियो शेयर आउट करूँगा। ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स सारे के सारे ये बोतल टावर है सारा, ये देसी है, ये इसमें ये कलर है रेड कलर है, ये ऑरेंज आपको कलर नज़र आ रहा होगा, ये मल्टी कलर के ये फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेरे गार्डन फ्रेंड्स कैसे खूबसूरत रंग बिरंगे प्यारे से फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। और बारिश के बाद खूबसूरती के बाद जब ग्रीनरी में इजाफा हो जाता है तो कितने ये प्यारे प्यारे ये फ्लावर्स होते हैं मेरे गार्डन फ्रेंड्स। ये देखें आप, ये मल्टी कलर के हैं, ये मेरे गार्डन, ये देखें आप, ये ऑरेंज कलर के हैं, ये देखें
और ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये मेरा ये पुदीना है। पुदीने पे भी इससे अगर आप इसकी कटिंग में आगे करूँगा, कुछ पत्ते पीले पीले नजर आ रहे हैं। अब कटिंग इसलिए करनी है कि जब पुराने पत्ते, जब नए पत्ते का आगे निकलना से शुरू होगा अब बाहर के शुरू में सितंबर में, तब मैं इसके वीडियो शेयर आउट करूँगा। इसकी कटिंग के हवाले से मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर आउट करूँगा। इधर आए मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये एक एलोवेरा है। एलोवेरा पे भी दोबारा बड़ी अच्छी ग्रो जा रही है। अब नए से नए ये ग्रीन्स हैं, ये यहाँ से ये निकलना शुरू हो गए हैं, लीव्स निकलना शुरू हो गए हैं। और ये तो तकरीबन सारा साल रहने वाला पौधा है, काफ़ी हार्डी प्लांट है। अब मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये आते हैं बैंगन की तरफ। इसमें भी अब फ्लावर्स के ना के फ्लावर्स बन रहे हैं। अब यहाँ भी ज़रा बैंगन बनने का यहाँ इनमें सिलसिला ये शुरू हुआ। जैसे मैं ये था मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये देखें नीचे, पहले बता रहा था कि बैंगन नहीं बनते थे इसे, क्योंकि ये ओपन स्पेस में था, काफ़ी ह्यूमिडिटी होती थी, लेकिन अब ये बैंगन बनेगा। ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स ये सिलसिला जा रही है, ये सारे के सारे आपको ये भरे हुए फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं बैंगन के। ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये सारे के सारे मेरे ये हरी भिंडी और लाल भिंडी, जैसे आपको वो नज़र आ रही है उधर, वो हरी भिंडियाँ बनी हुई है और ये सारी लाल भिंडी यहाँ के प्रॉप्स हैं। यहाँ भी फ्लावरिंग बर्ड्स निकले हुए हैं ये लाल भिंडी पे। बाकी ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये मेरे दरख्त है, ये कनेर का यहाँ लगे हुए हैं। बाकी ये दूसरे प्लांट्स हैं मेरे, ये जिसने सिंपल स्पाइडर ले ली है। इधर भी मेरे पास ये ट्यूब रोजेस के बल्ब्स हैं, यहाँ से मैंने लगाए थे। और ये एलोवेरिएटा, ये सारे के सारे मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये मेरे सारे के सारे ये मेरे प्लांट्स हैं मेरे गार्डन। उम्मीद करेंगे कि आपको मेरे ये अगस्त का स्टार्टिंग का ये ओवरव्यू पसंद आएगा। बाय आसिम नवाज फ्रॉम वागी सुमसिंगार।